हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बिग बॉस बिग आइडिया और आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर अजय श्रीवास्तव, एमडी डायमेंशन कंसल्टिंग के। वेलकम मिस्टर श्रीवास्तव एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। प्लीज। आप प्लेजर सर। सर अगर हम बात करें अभी के करंट सिनेरियो की, बहुत कुछ बदल चुका है इस एक डेढ़ साल में। 40 साल के रिकॉर्ड स्तरों पे डेवलप्ड मार्केट्स में इन्फ्लेशन के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो था पहले डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट का, अब इंटरेस्ट रेट में रिवर्सल हो गया है। इजी मनी सप्लाई जो थी वो ड्राई अप हो गई है। इंटरेस्ट रेट्स आसमान छूना शुरू हो चुके हैं एग्रेसिवली बाय द डेवलप्ड नेशंस, नॉट सो एग्रेसिवली बाय इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया। ऐसे सिनेरियो में एक अप्रोच क्या होनी चाहिए बाजार की? आप तो दिग्गज माने जाते हैं बाजार के, आपने बहुत सारे अप साइकल्स डाउन साइकल्स देखे हैं, तो जो ये हम अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं पिछले एक डेढ़ साल से कोविड क्राइसिस के बाद, आप इसको कैसा देखते हैं एंड हाउ आर यू अप्रोचिंग द मार्केट्स करंटली? देखिए गीतू जी, पहली बात तो यह है कि ये मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी मार्केट है, निवेशक के डिसीजन मेकिंग काफी आसान है क्योंकि इसमें जो वॉलिटिलिटी थी वो काफी कम हो गई है। कि एक चीज क्लियर है, ग्रोथ रेट, जैसे इंडिया की भी ग्रोथ रेट लेके चलेंगे, 6-6.5 के आसपास ही रहेगी ग्रोथ रेट। ग्लोबल ग्रोथ रेट 2% पे, तो उसमें किसी को ये नहीं है सरप्राइज कि ये ग्रोथ रेट 2% हो सकती है या 10% हो सकती है। तो उसके हिसाब से आपको ये पता है कि आप एक वर्ल्ड इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को डील कर रहे हैं जिसका ग्रोथ 6-6.5% इंडियन इकोनॉमी का रहेगा, तो उससे ज्यादा उम्मीद करना कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात यह है, निवेश करने की बात में ये आता है कि इकोनॉमी के अंदर में आज की तारीख में भी इनफ्लोज अभी भी आ रहे हैं मार्केट के अंदर में, क्योंकि इंडिया की डेमोग्राफिक ऐसी है, हम पीएफ पैसा कलेक्ट करते हैं, इंश्योरेंस पैसा कलेक्ट करते हैं, हमारा विड्रॉल नहीं होता है नेट पीएफ में। तो पीएफ में हर महीने पैसा आता है, उसमें से 15% आपका ईटीएफ में चला जाता है। मार्केट अप हो डाउन हो, इकोनॉमी नीचे हो ऊपर हो, रुपी 84 हो 82 हो, वो 15% आपका पीएफ में जाके रहेगा पैसा। सेम इज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का जो कॉर्पस है वो भी जा रहा है, एसआईपी को तो आप जानती हैं कि लोगों ने डाल रखा है। तो इंडिया एक ऐसी पेक्यूलियर सिचुएशन में है आज कि फंडामेंटल फैक्टर इरिस्पेक्टिव होते हुए भी मार्केट के अंदर में 40-50 हजार करोड़ रुपया हर महीने आ रहा है इसके अंदर में, और उसके लिए नया पेपर इतना नहीं है, तो उससे हमारी डिमांड बढ़ती है। आपने देखा होगा आज भी इंडियन मार्केट 30-35-40-60 के पी पे चल रही है। तो जब आप ग्रोथ 6% है इकोनॉमी की, पी 30% है, उस माहौल के अंदर में इन्वेस्टर्स को रिटर्न लाना इक्विटी में बहुत मुश्किल है। और ये आज नहीं, पिछले साल का भी देख लेंगे आज, तो आज की तारीख की निफ्टी रिटर्न 6% ही है सिर्फ। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने ये भी कहा कि जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन फ्लोज जो है वो काफी मार्केट्स में जा रहे हैं, और जो एफआई का फ्लो है जो काफी हेवी फ्लो हमने देखा वो हम इस समय हमने उसको नगेट कर दिया। सो डीआईआई फ्लोज आर नाउ एज मीनिंगफुल एज द एफपीआई फ्लोज, ये आप समझते हैं? तो हमको एफआईआई की जरूरत है भी या नहीं? देखिए बहुत जरूरत है, क्योंकि जो मर्जी कर लीजिए, कैपिटल तो इंडिया को बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए इंडिया में, और खासकर ग्लोबल कैपिटल अगर इंडिया में नहीं आएगा तो डोमेस्टिक कैपिटल इकोनॉमी को उतना ही आगे ले पाएगा। और फिर उसमें जो रिस्क कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होगा इकोनॉमी का, कि अगर कोई भी वॉबल होता है इकोनॉमी में, आपके कोई बायर नहीं खड़ा हुआ है, तो डोमेस्टिक मार्केट भी काफी वॉलिटिलिटी देख सकती है। जो बैलेंसिंग फैक्टर, जैसा आपने देखा कि कभी फॉरेन इन्वेस्टर्स लेते हैं इंडियन बेच लेते हैं, कभी इंडियन बेचते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीद लेते हैं, मार्केट में एक बैलेंस बना है, एक तालमेल सा बना हुआ है कि ठीक है इक्विलिब्रियम है। अगर एक ही पाड़ा भारी रहेगा पल रहा, तो कितना रिस्क आप सोच सकते हैं कि अगर होगा, खासकर एनवायरनमेंट में जो आपने बड़ा अच्छा बोला इंटरेस्ट रेट ऊपर बढ़ रहे हैं। शायद पिछले दशक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सेवर को पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और अगर यही थोड़ा और चलता रहा तो अगर इंटरेस्ट रेट 9-9.5-10 पे बैंक में पहुंच गए तो काफी पैसा जो इक्विटी का है लोग कहेंगे भैया बैंक में डाल लेते हैं, 9-9.5-10% मिलेगा हमको, डिबेंचर में 14% मिलेगा, इक्विटी मार्केट में हमको 15-16 भी मिलेगा, तो रिस्क के साथ में यहाँ गारंटीड 15-16 मिलेगा। तो उस हिसाब को देखते हुए अब जो रुझान होगा वो ये होगा कि काफी लोग डेट को सीरियसली देखेंगे, और इसलिए हमें फॉरेन इन्वेस्टर बहुत जरूरी है, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टर डेट की तरफ जाएगा तो कोई तो इक्विटी खरीदने वाला होना चाहिए हमारे पास। तो उस हिसाब से एफआई को हम कम मत समझे, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, और ग्लोबल पी फंड
जो बड़ी बड़ी डील करते हैं वो भी तो इंडिया में, अभी आपने देखा येस बैंक में कैपिटल आया, दो बड़े फंड ने डाला, अगर ग्लोबल नहीं आएगा तो इतना पैसा कहाँ से आएगा। बिल्कुल सही। आप मुझे बताइए कि तीन की चेंजेस जो इंडिया में हुई है टू मेक इंडिया स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग, और क्या कंडीशंस हमें चाहिए टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। देखिए मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की एक ही चीज पे आज निर्भर है कि इंडिया के इंटरेस्ट रेट नेगेटिव रहे हैं पिछले 6 साल से, मतलब सेवर को, एफडी वाले को और इंश्योरेंस पेंशन वाले को या और सेवर वाले को बहुत नुकसान हुआ है कि उनका जो पैसा साल बर साल कम होता गया है, और जब वो कम होता है तो आज दो चीजें करता है आदमी, सेविंग और बढ़ाता है या फिर अपने खर्चे कम कर देता है। दोनों में कोई फायदा नहीं है, बिकॉज सेविंग बढ़ा के आपने एफडी में 5% में डाल दिया, उसे किसी का फायदा नहीं होने वाला। जब तक इंडियन कंज्यूमर कंजम्पशन नहीं बढ़ाएगा, तब तक जब तक आइटम का सामान नहीं बिकेगा, कंपनियां नया प्लांट नहीं लगाएंगी, कैपेक्स नहीं होगा इस देश के अंदर में। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव हो गए और लोगों को लगा कि हमारा जो सेविंग होराइजन, जैसे आपने सोचा कि मुझे 1 करोड़ चाहिए बच्चे की पढ़ाई के लिए, हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको सिर्फ 10,000 रुपये महीना डालना है, लो इंटरेस्ट रेट पे 20,000 रुपये डालना पड़ता था। तो अगर आपको 10 डालना है तो 10 आप खर्च सकते हैं। आपने खर्चा फ्रिज लिया, टीवी लिया या खाने पीने का लिया, फैक्ट्री की आउटपुट बढ़ेगी और कैपेक्स बढ़ेगा। तो इंडिया की अगर आप कहते हैं एक सिंगल फैक्टर जो इंडिया को कंप्लीटली चेंज कर सकता है वो है पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट, कंजम्पशन बढ़ेगी, सेविंग कम होगी, इकोनॉमी में ज्यादा गुड्स की डिमांड होगी और कंपनीज एक्सपेंशन करेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का रिवर्स है, लोगों ने कंजम्पशन कम करिए कि यार सेविंग तो करना पड़ेगा बच्चे की पढ़ाई के लिए, जो भी के लिए, उसके और सेविंग बढ़ाओ, इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा हमारे को, इन्फ्लेशन और बढ़ते जा रही है, तो उल्टा इफेक्ट हो गया है। और आपने देखा होगा कि आज भी सारी फैक्ट्रियां 70-75% कैपेसिटी में चल रही है, सरकार कैपेक्स करती है, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स नहीं कर रहा है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट रहे और अच्छे तरीके से रहे कि कंजम्पशन इंडिया में बढ़ती रहे। अगर हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की बात करें तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स तो जीडीपी रेशियो जो हम देखते हैं खास करके वो काफी डिकेडल हाई पे है। क्या आपको लगता है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स इस सिनेरियो में जहां इन्फ्लेशन काफी ऊपर है, कमोडिटी के दाम अब नीचे तो आ गए हैं लेकिन वहां टिकते या नहीं ये देखना बाकी रहेगा, तो ऐसे में कॉर्पोरेट अर्निंग्स आपको कैसे लगता है, हाउ डू दे पैन आउट फॉर FY 23 एंड 24? देखिए कॉर्पोरेट अर्निंग में तो नॉमिनली इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो नॉमिनली प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपके पास में, चाहे रियल टर्म में बढ़े नहीं बढ़ेंगे। आपकी जो चीज 10 में बेचते थे वो 20 में बेचते हैं आप या 12 में बेचते हैं, तो 12 में बेचेंगे तो नॉमिनल प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसको देखते हुए नॉमिनल प्रॉफिट तो डेफिनेटली बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर में। एक 2 क्वार्टर का ट्रफ आ गया है सिस्टम में, बिकॉज हमारा लास्ट ईयर फर्स्ट 2 क्वार्टर में बहुत बढ़िया प्रॉफिट था क्योंकि वो कोविड के बाद निकले थे, बाहर निकले थे, कंजम्पशन बढ़ी थी। अब थोड़ा सा उसमें जो धीरे धीरे करके अब वो नीचे आ रहा है, उसके हिसाब से प्रॉफिट हमारा कम हुआ है, सब कंपनियों का लगभग कम हुआ है प्रॉफिट और रेशियोज भी कम हुए हैं। तो अगले 1 साल के अंदर में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आपका इकोनॉमी 6% पे ग्रो कर रही है, आपका जो सेक्टर है वो 10% कर लेगा ग्रो, 12% ग्रो कर लेगा, कॉम्पिटिशन देखते हुए दाम बढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है और उसको देखते हुए प्रॉफिट बढ़ना कंपनीज का बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम कहते हैं कि आज जो निवेश करते हैं आप वो आप पी एक्सपेंशन पे निवेश कर रहे हैं, ना कि प्रॉफिट एक्सपेंशन में। अगले 1 साल अगर इसी प्रॉफिटेबिलिटी पे कंपनियां रह लें और 5-10% प्लस माइनस, वो बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा मेरे हिसाब से। अच्छा जी, अगर सेक्टर्स की हम बात करते हैं बाजार में, तो जो टॉप परफॉर्मर इस पूरे साल का रहा है वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस रहा है। जो छोटे मंझोले शेयर है वहां पे काफी अच्छा हमने रुझान देखा, 80-90% इवन डबल भी बहुत सारे शेयर्स हो गए हैं। क्या जो हम ये क्रेडिट ऑफ टेक्स की स्टोरी जो बुनी जा रही है, प्राइवेट कंजम्पशन आपने भी कहा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी तक हमने देखा नहीं, आई मीन देयर हैव बीन अनाउंसमेंट्स बाय बिग कंपनीज एज फार एज द एक्सपेंशन इज कंसर्न, बट on the ground the story is different. तो ऐसे में आपको banking space कैसा लगता है और खास करके PSU banking space पे इस समय आपका क्या view रहेगा? देखिए आज की तारीख में से अगर आप देखिए banking space को देखेंगे तो index इतने अच्छे साल के आप भी 16% 1 साल का return आई है index की, okay? Now PSU banking space एक बहुत ही छोटी स्पेस है, बिकॉज उसमें मोस्ट कंपनीज में गवर्नमेंट की होल्डिंग बहुत ज्यादा है, कई में तो 80% होल्डिंग है, कई में 60% होल्डिंग है, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइमरली डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर में, और ये हमेशा से रही है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट रही है।
कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे पीएनबी का शेयर 8 साल रखना है, सब बोलेंगे पीएनबी का शेयर लिया, प्रॉफिट आया, निकल गया। तो पीएसयू बैंक को तो मैं यही बोलूंगा, ट्रेडिंग प्ले है उसके अंदर में, आपने अच्छा कमा लिया है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं कमाए इस पैसे में डालने के लिए आपको हिम्मत चाहिए कि आप इस पैसे में डाल के कैसे उसमें रिटर्न कमाएंगे। बैंकिंग स्पेस में डाल के अगर आपको रिटर्न कमानी है डेट फंड से ज्यादा या डेट रिटर्न से ज्यादा 10-12-14% रिटर्न कमानी है तो बैंकिंग स्पेस में बहुत मुश्किल होगा आपको 12-14% कमाना, बिकॉज बैंकिंग का जो स्टार है HDFC उसका भी रिटर्न इस साल में 8% आया, आप देखेंगे उसके अंदर में 365 डे रिटर्न में। तो अगर आप एक साल का माहौल देखेंगे कि काफी हद तक बेस्ट बेनिफिट उनको इंटरेस्ट रेट का मिल चुका है, अब आपने देखा होगा डिपॉजिट रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं तो कॉस्ट ऑफ फंड बढ़नी शुरू हो गई है बैंकों की, तो जो गोल्डन पीरियड था बैंक का एक क्वार्टर का वो निकल चुका है पीछे, अब जो पीरियड्स आएंगे उसमें कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगी। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है 15-20% रिटर्न कमाने की बैंक से, बहुत मुश्किल होगा। नेशनल बैंक को आप ट्रेड समझ के काम करिए, इन्वेस्ट मत करिए, उसमें इन्वेस्ट किया तो पैसा बुक करिए, प्रॉफिट बुक करिए। इनफैक्ट पूरी मार्केट ये कहती है आपको कि आप अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया आपका नुकसान ही होगा। आपने देखा होगा शेयर प्राइस IEX को देख लीजिए, शेयर प्राइस को 300 रुपए में देखा आपने, 140 देखा और आप देखते रहेंगे कि ये पेपर प्रॉफिट पेपर ही रह गया। जी बिल्कुल सही। अगर हम मार्केट्स की बात करें तो रेंज बाउंड मूवमेंट हम देख रहे हैं इस समय निफ्टी में, ब्रॉडर बेंचमार्क्स में, और कंसोलिडेशन का फेस देख रहे हैं। इट इज एक्सपेक्टेड कि अगर रिसेशन डीपन्स इन यूरोजोन और यू नो जो कल फेड की हमारी फेड चेयरमैन ने अपनी कमेंट्री में बताया कि ही इज एक्सपेक्टिंग अ स्लो डाउन इन US एंड कमिंग ईयर, अगर ऐसा होता है तो IT स्पेस पे आपका क्या रुझान रहेगा, क्या व्यू रहेगा? बिकॉज दिस स्पेस हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर फ्रॉम लास्ट 8 to 9 months नाउ। क्या ये सही रहेगा कि अगर कोई शार्प करेक्शन होती है और IT शेयर्स फिर यहाँ से नीचे आते हैं तो खरीदना बनता है फॉर लॉन्ग? देखिए IT एक ऐसी इंडस्ट्री है इंडिया की जो सबसे ग्लोबली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट में बैठी हुई है, US मार्केट में, और बहुत बढ़िया शेयर पे बैठी हुई है बिकॉज इसके अलावा कॉम्पिटिशन नहीं है। उसके अलावा हमारी IT कंपनी में खास बात यह है कि काफी अच्छी डिविडेंड आती है, बायबैक आते हैं लगातार। टाटा का तो ग्रुप ही चलता है सिर्फ ITC के ऊपर में। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना काफी ठीक है। देखिए IT इंडस्ट्री के अगर आप देखेंगे तो उसमें दो खास बात है। एक खास बात है कि ऐसी कंपनियां इंडिया में बहुत कम है जो ग्लोबली नंबर 3 नंबर 4 पे स्ट्रांग है। IT कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री है स्ट्रांग है। दूसरी बात, ये कंपनियां वो है जो इतना बेहतरीन डिविडेंड और बायबैक देती है। टाटा ग्रुप तो पूरा चलता ही TCS के डिविडेंड के ऊपर में, आपने देखा होगा वो चलेगा नहीं। इन्फोसिस बहुत बढ़िया देती है डिविडेंड। तो इसमें निवेश करना लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया कोई भी निवेशक के लिए बहुत बढ़िया, लेकिन पेशेंस चाहिए आपको। बिकॉज पेशेंस इसलिए चाहिए कि कोई ऐसे साल भी आएंगे, जैसे इस साल में इंडेक्स 18% डाउन है, IT का इंडेक्स पूरे 365 डे में 18% डाउन है ना। इस वो इंडेक्स डाउन है बट बीच में आपको डिविडेंड मिला, बायबैक मिला, तो शायद 12% इंडेक्स डाउन है। उसको देखते हुए अगर आप IT में धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बढ़ाते जाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया शेयर होल्डिंग आप बढ़ा पाएंगे अपनी। अच्छी कंपनियों में लीजिए, उसमें खासकर टॉप 2 कंपनी जो बहुत बढ़िया कर रही है, बाकी में जाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, लीजिए और पेशेंस से वेट करिए और डिविडेंड का मजा लीजिए और बायबैक का मजा लीजिए। तो इसमें ये सेफ्टी में और रिटर्न में अगर आप 5 साल या 10 साल का होराइजन देखेंगे, कोई FMCG के अलावा कोई ये सेकेंड सेक्टर है जहां आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगी। तो FMCG फर्स्ट, ये IT सेकेंड। आई वुड से कि अगर लॉन्ग टर्म आपने डालना है तो इन दो सेक्टर में लेके चलिए, इससे अच्छी रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म नहीं आएगी और खासकर डिविडेंड बहुत बढ़िया आएंगे। That was my next question कि आपको pockets of value इस समय कहाँ पे दिख रहे हैं? You know, banking has run up, आपने कहा IT आपको अच्छा लगता है, यहाँ पे FMCG अच्छा लगता है, लेकिन FMCG में एक दिक्कत तो सर ये है कि they are always trading on the premium valuations, तो वहाँ पे जो retail participation होती है वो काफी कम होती है। यही गलती है, अच्छी चीज हमेशा महंगी होती है। अब क्या कहेंगे आप, आपका अच्छा employee को सबसे तनख्वाह ज्यादा मिलेगी, अच्छी गाड़ी की तनख्वाह ज्यादा तो पैसे ज्यादा लगेंगे, अच्छी चीज को अब थोड़ा सा दाम प्रीमियम देना पड़ेगा ना। ये प्रीमियम कई सालों से चलता आ रहा है, आज का नहीं है, और इसकी स्केसिटी वैल्यू है। आप नेस्ले को लीजिएगा, नेस्ले के इक्विटी स्टेक सिर्फ 3 कंट्री में मिलेंगे आपको, सिर्फ एक तो पेरेंट और एक इंडिया में ना। आपको अगर नेस्ले खरीदना है तो आपके पास चारा नहीं है, खरीद के रख लीजिए,
आज आपको महंगा लगता है, चार साल बाद ठीक लगेगा आपको, बट उस बीच चार साल में डिविडेंड भी देगा, कंपनी का मार्केट शेयर स्ट्रांग है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट एग्जाम्पल देके दे रहा हूँ। तो प्रीमियम देख के चलेंगे थोड़ा सा गड़बड़ होगा, बहुत बेहतरीन चीज है, जीरो रिस्क कंपनीज है, इनका प्रोडक्ट रोज रोज कैश में बिकता है, कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन रिस्क नहीं है, मोनोपोली स्टेटस पे है। आज भी आप देखेंगे तो चाहे वो दूसरा नूडल बिकेगा तो लोग कहेंगे मैगी खरीद लीजिए आप, या घर में मैगी बना लेते हैं, चाहे आपने यूपी खरीदा होगा बोलते जरूर आप मैगी है। सो ऐसी कंपनियों के पास में आपको इक्विटी रिटर्न थोड़ा धीरे मिलेगा, तो आप उस पर पेशेंस रखिए, बट डिविडेंड अच्छे मिलेंगे। बट आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, इस साल भी जो आपने इतने प्रेशर है, गवर्नमेंट का प्रेशर था, मार्केट का प्रेशर था, कंजम्पशन था, आज भी FMCG इंडेक्स 18% रिटर्न देके जा रहा है इस साल में, तो उसको देखते हुए ये सेक्टर बिल्कुल ठीक है। और आपने कहा वैल्यू है, आप सरप्राइज होंगे, मैं आज भी बोलूंगा आप कमोडिटीज में आज भी इन्वेस्ट करिए। इसलिए बोलता हूं कि अगर इंडिया को ग्रो करना है या ग्लोबली चाइना को करना है, खासकर इंडिया को, तो आपको कमोडिटी खरीदनी पड़ेगी। स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम के बिना कुछ नहीं बन पाएगा देश के अंदर में। तो अगर आपको आप इक्विटी मार्केट में है तो आपका इसलिए है कि इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, मार्केट ग्रोथ होगी, उस ग्रोथ के लिए सबसे पहली चीज चाहिए कमोडिटी। और खासकर इंडिया में एक ही दो तीन कंपनियां हैं जिसमें डेट हार्डली कुछ है और डिविडेंड बेहतरीन है। आप कई शेयर देखेंगे कमोडिटी कंपनीज के, पिछले 5 साल का डिविडेंड रिकॉर्ड देखिए, कितना बेहतरीन डिविडेंड रिकॉर्ड है, और वो चलता रहेगा। ठीक है, दाम ऊपर होंगे नीचे होंगे वो आप भूल जाइए एक मिनट के लिए, जब दाम गिरे कमोडिटी कंपनी में आप ले लीजिए, बिकॉज मोनोपोली स्टेटस है। आप रातों रात एल्यूमिनियम कंपनी नहीं क्रिएट कर सकते हैं, रातों रात कॉपर कंपनी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से देखते हुए कमोडिटीज के अंदर में इन्वेस्ट करके आप डिविडेंड भी कमाएंगे, रिटर्न भी कमाएंगे, और वॉलेटिलिटी का मजा यह है कि अगर गिरे तो आप खरीद सकते हैं बेहिचक। बाकी कंपनियों में तो डर लगता है आईटी में, अरे भाई और कितना गिरेगा, और क्या होगा, मार्केट क्या है यूएस में। कमोडिटी में आपको कॉपर चाहिए ईवी के लिए, तो कॉपर चाहिए होगी आपको। तो उस हिसाब से हम बोलेंगे, चाहे इंडिया कंपनी में हो, चाहे यूएस एंड यूके कंपनियां है, चाहे ग्लेनकोर को ले लीजिए, चाहे इनको ले लीजिए, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म, और आपको बहुत बढ़िया डिविडेंड देके जाएंगी। तो बेहिचक मेरे हिसाब से कमोडिटी को जो लोग काफी वो मांगते हैं वोलेटाइल, एक्चुअली वोलेटाइल नहीं है, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म देखेंगे बहुत बेहतरीन रिटर्न देके जाएगी। अजय सर, अगर हम अपने देश के बाजारों की बात करें, जैसे निफ्टी और सेंसेक्स की बात हम करते हैं, तो इमर्जिंग मार्केट्स में हमारे मार्केट्स ने आउट परफॉर्म किया है इस पूरे साल में, और माना जा रहा है कि हमारी वी आर ट्रेडिंग एट एन एक्सपेंसिव वैल्यूएशन ऑफ 22। निफ्टी का फॉरवर्ड प्रीमियम के हिसाब से हम 22 के पी पे अभी मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर चाइना की थोड़ी स्थिति बेहतर हो जाती है और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स भी थोड़ा बहुत दे आर ऑन द रिकवरी पाथ, तो आपको क्या लगता है कि कैपिटल फ्लाइट विल हैपन टू दोज नेशंस मोर देन कमिंग टू इंडिया बिकॉज ऑफ द प्रीमियम वैल्यूएशंस दैट वी कमांड? आई डाउट इट। यस, सम कैपिटल कैन गो, बट सिंस हम काफी बात करते हैं इन्वेस्टर्स से, बड़े बड़े फंड से, सबका एक ही है कि इंडिया अलग मार्केट है, चाइना एक बिल्कुल अलग मार्केट है। इंडिया में कंफर्ट है इन्वेस्टमेंट का, कंपनीज में कंफर्ट है इन्वेस्टमेंट का, चाइना के अंदर में थोड़ा सा रिस्क काफी ज्यादा है, आज भी देख लीजिएगा। तो यस, प्रीमियम होगा, और प्रीमियम ये भी कहता है कि जो पॉलिटिकल रिस्क है चाइना का वो ज्यादा है आज इंडिया के बनस्पत में। इंडिया के अंदर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आपकी एक ही सरकार चल रही है, पॉलिसीज मेजॉरिटी में सरकार है। आप यूरोप में देखेंगे तो ये देखेंगे हालत, इटली में कितनी सरकारें बन चुकी हैं, चाइना के अंदर में काफी रिस्क है। तो मार्केट फंडामेंटल तो एक जगह है, पॉलिटिकल रिस्क काफी ज्यादा है कई कंट्रीज में उस हिसाब से। दूसरी बात है कि चाइना को एक बार अलग छोड़ दें एक मिनट के लिए, कि चाइना के अंदर में आपको बेनिफिट भी मिल सकता है और गवर्नमेंट पॉलिसी एक ही दिन में खत्म कर देती है। आपने देखा उन्होंने आईटी कंपनी को क्या किया, Tencent को देखो क्या किया, पूरा क्या किया, और जो एडुकेशन सेक्टर है एडटेक उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया उन्होंने एक पॉलिसी डायरेक्शन में, कि हर चाइनीज स्टूडेंट को 2 घंटे की मिल सकती है ट्यूशन एक हफ्ते में, पूरी इंडस्ट्री को उन्होंने खत्म कर दिया। तो वहां पे इस तरीके गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो पूरी इंडस्ट्री को भी खत्म करते हैं, तो रिस्क तो है वहां पे। तो इतना फ्लाइट ऑफ कैपिटल चाइना में बहुत मुश्किल है, और आज जो पॉलिसी है चाइना प्लस वन पॉलिसी, वो आप हैरान होंगे, वो चाइना प्लस वन इंडिया नहीं है अकेले, चाइना प्लस वन यूएस भी है, कि यूएस कह रहा है मैं खुद मैन्युफैक्चर करूंगा, यूरोप कह रहा है मैं खुद मैन्युफैक्चर करूंगा। तो उस हिसाब से देखते हुए ये सोचना कि इंडिया में कैपिटल कम होगा बिकॉज चाइना में जाएगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। और अगर चाइना बढ़ेगी तो ग्लोबल एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इंडिया को भी बेनिफिट होगा, अपसाइड बढ़ेगी। और अगर चाइना खुल गया
तो फिर बात की थी हमने कमोडिटी की, तो फिर कमोडिटी कंपनियों की भी चांदी हो जाएगी। जी, दो सेक्टर्स पे बात करते हैं सर। एक तो रियल एस्टेट सेक्टर, जहाँ पे है अपसाइकिल की बात की जा रही है, 2 साल हो चुके हैं, माना जा रहा है कि जो साइकिल रियल एस्टेट का आता है तो 5 से 7 साल का आता है, वहां पे आपका क्या व्यू है? और ऑटो स्पेस, जहाँ एक अच्छा परफॉर्मेंस हम पहले से देख चुके हैं, ऑन द डिमांड फ्रंट यस, आप वेटिंग लिस्ट देखते हैं तो लगता है कि डिमांड जो है वो काफी बॉयंट है, इनपुट कॉस्ट अब नीचे आना शुरू हो चुका है, तो दोनों ही सेक्टर्स पे आपका ब्रॉड व्यू क्या है? देखिए रियल सेक्टर, रियल एस्टेट की ये विडंबना ये है कि इस कंपनियों से किसी ने पैसा कमाया नहीं आज तक। रियल एस्टेट के डेवलपर ने खूब कमाया, कंपनी को उन्होंने कमाया, निवेशक ने शायद 10 साल 2 दशक में कोई पैसा नहीं कमाया। तो यही दशा रहती है निवेशक की, यार कंपनी के दाम बढ़ गए, उसके रियल एस्टेट के दाम बढ़ गए, लेकिन हमारे तो वहीं का वही रहे दाम। तो इसलिए निवेशक के लिए हम कभी रेकमेंड नहीं करते हैं, बिकॉज इन्वेस्टर्स का रिटर्न मिलना बड़ा मुश्किल है। आपने देखा होगा 4-5 कंपनियां ही हैं देश में, कोई बड़ी ज्यादा कंपनियां भी नहीं है, बट उसमें रिटर्न नहीं आई किसी इन्वेस्टर की। रही बात रियल एस्टेट की, इन डिफैक्टो टर्म मार्केट पीक हो चुकी है रियल एस्टेट की। अगर अब आप रियल एस्टेट में जाते हैं आपको प्रॉब्लम ही आएगी, बिकॉज आई थिंक रेट वाइज रियल एस्टेट की मार्केट अब पीक हो चुकी है और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। चाहे वो जरूर एक HFC कंपनी के चेयरमैन MD कह रहे, सुन रहे थे कि इंटरेस्ट रेट का फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई बिल्कुल पड़ेगा, जिसके EMI बढ़ेगी वो कैसे लेगा। बट उनका कहना अलग था, बट मैं मानता नहीं हूँ कि कहना सही था, वो अपने तरीके से कह रहे थे। तो अब जो हालात आ गए, अगर इंटरेस्ट रेट और भी थोड़ा सा बढ़ेंगे ऊपर, तो EMI का प्रेशर पड़ेगा लोगों पे, रियल एस्टेट पड़ेगा। और डेफिनेटली जो प्राइस इंक्रीज आया था कोविड के बाद में रियल एस्टेट प्राइसेस पे, जमीन पे, फ्लैट के प्राइसेस पे, डेफिनेटली पीक हो चुका है और अब थोड़ा सा या तो स्टेबल रहेंगी या हल्का सा नीचे जाएंगी। अब यहां से रिटर्न कमाना बहुत मुश्किल है रियल एस्टेट के अंदर में। और ऑटो स्पेस सर? देखिए ऑटो स्पेस एक ऐसी स्पेस है जहां पे आपको अलर्ट इन्वेस्टर रहना पड़ेगा आपको। यू नो लाइक FMCG में आप डाल के रह सकते हैं, IT में डाल के रह सकते हैं, ऑटो स्पेस में अलर्ट इन्वेस्टर इसलिए है कि उनका एक साइकिल आता है, जो आपने कहा कि बहुत ज्यादा डिमांड थी, अब वो साइकिल धीरे धीरे आप देखेंगे टेपर हो रहा है। आपने देखा नवंबर और अक्टूबर नवंबर में ऑलमोस्ट मंथ टू मंथ फ्लैट हो गई है। आप जो रिजल्ट देखेंगे कि नवंबर के जो डिस्पैचेस हैं, अक्टूबर डिस्पैचेस, ऑलमोस्ट ग्रोथ अब फ्लैट हो गई है। तो एक साइकिल आता है, अब साइकिल आता है, काफी चीजें बिकती हैं, फिर देखेंगे एक टेम्पर हो जाएगा और फिर आएगा। तो आपको अलर्ट इन्वेस्टर अगर है और आप ट्रेंड देख रहे हैं और इनकैश करने को तैयार है अपने शेयर होल्डिंग, तो ऑटो सेक्टर है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि लेके खरीद के रखे रहेंगे शेयर को अगले 5 साल तक, तो शायद आप देखेंगे 5 साल बाद आपकी रिटर्न जीरो ही रहेगी। बिकॉज आप कोई भी शेयर ले लीजिए, मारुति ले लीजिए, महिंद्रा ले लीजिए, आयशर ले लीजिए, शॉर्ट टर्म में बहुत बेहतरीन रिटर्न आती है, लॉन्ग टर्म में उसके अंदर में आपकी रिटर्न शायद डेट फंड से भी नीचे चली जाएगी। तो इसलिए ऑटो सेक्टर में बोलूंगा बहुत बेहतरीन रिटर्न है, बट उसके लिए अलर्ट रहिए कि प्रॉफिट बुकिंग के बिना उसमें रिटर्न कमाना बहुत मुश्किल होगा। सर बजट से क्या उम्मीद है आपकी इस बार? देखिए बजट से बहुत बढ़िया उम्मीद यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर शायद चलती रहेगी, आई थिंक वो स्पेंडिंग चलती रहेगी। उम्मीद है कि कैपिटल गेन टैक्स को ठीक करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं, बट अगर मेरे हिसाब से बजट से ज्यादा हमारे को ये है रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से कि आपकी जो पॉलिसीज जो मार्केट को चेंज करती हैं वो निवेशक को बहुत तकलीफ देती है। जैसे आपने स्टील में एकदम से रात को ड्यूटी लगा दी आपने, सडनली जो हमारी इतनी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट थी स्टील की, उसकी जीरो कर दिया आपने। शुगर के अंदर में चेंज हुई पॉलिसी, वहां प्रॉब्लम आ गई हमारे को, ठीक है। तो इसलिए बजट से अलावा, बजट में आपको जो करना है कर लीजिए, तो हमको पता है कि अगले 12 महीने क्या होने वाला है, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। बट जो रातों रात पॉलिसी चेंज होती है कि आपने एक विंडफॉल टैक्स लगा दिया ऑयल पे, तो सडनली आपकी जो ऑयल इन्वेस्टमेंट थी उस पर रिटर्न कम हो गया, वो ज्यादा तकलीफ देगी। कि अगर आप एक पॉलिसी स्टेबिलिटी दे दीजिए, उससे निवेशक भी प्लान कर सकता है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो आपने अगर स्टील पे इन्वेस्ट किया होता सोच के कि स्टील डिमांड बढ़ेगी और ये होगा, वो एक ड्यूटी ने सारी रिटर्न खत्म कर दी आपकी। तो बजट से ज्यादा उम्मीद, ये रिक्वेस्ट ये करता हूँ गवर्नमेंट से कि बस निवेशक को कुछ तो सांस लेने दीजिए। अगर रोज सवेरे आप सरप्राइज दे देंगे तो कैसे करेंगे निवेश हम लोग। अजय सर, अगर हम पिछले 1.5-2 साल में देखें, कोविड क्राइसिस के दौरान और कोविड क्राइसिस के बाद, रिटेल निवेशक काफी बाजार में डायरेक्टली भी उतर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी उतर रहे हैं, उनके लिए आप तो क्या सलाह देंगे? क्योंकि जो नए निवेशक है ना, दे वॉन्ट टू मेक क्विक प्रॉफिट्स, वो बाजार में आते हैं पैसा बनाने के लिए और जल्दी पैसा बनाने के लिए। देखिए
पैसा बनाना तो सही बात है, आना ही चाहिए, वरना आए क्यों आप? अगर आपको कोई और शौक करना है तो आप, मैं तो हमेशा कहता हूँ आपको एडवेंचर चाहिए तो आप स्काई डाइविंग करिए जाके, आप एवरेस्ट को क्लाइम करिए, बाजार में क्यों वेस्ट कर रहे हैं टाइम? ये बाजार में वेस्ट करने की जगह आप, बाजार इज अ मंडेन एक्टिविटी जहाँ पे आपको बहुत बेसिक चीजें करनी है। और मेरा एक ही सलाह रहेगी हर एक से जो मैं भी सीखी है लाइफ में, कि प्रॉफिट बुकिंग, बाकी सब पेपर है। आप जो ओल्ड स्ट्रेटजी होती थी कि आप शेयर को खरीद के छोड़ दीजिए 10 साल तक चलेगा, वो अब काफी हद तक चेंज हो चुका है। और आपने देखा होगा कि आप पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न इक्विटी में नहीं आती है, वो आती है उसी टाइम पे जब मार्केट ऊपर जाती है, आपने बेचा बहुत करेक्शन के अंदर में खरीदा। ये जो SIP रूट है लोगों का, इसमें इनको इनएडिक्वेट रिटर्न मिलेगी, बिकॉज आप खास करके आपका मार्केट थिंकिंग आपकी होती है जब बाजार अच्छी होती है, आप चाहते हैं और खरीद लें इस बाजार में, और जब बाजार गिरनी शुरू होती है तो आप कहते हैं रुक जाते हैं यार, इसको तो पता नहीं कब तक गिरेगी ये मार्केट। तो मेरा यही कहना होगा, सबसे एक रूल हमने बना रखा अपनी कंपनियों में कि रेड डे को खरीदो, ग्रीन डे को बेचो, पहला रूल हमारा ये। 3-4 दिन रेड हो गए तो और अच्छा है खरीदने के लिए, बिकॉज अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है इक्विटी में रहने का, तो अच्छी कंपनी के शेयर प्राइस भी बाजार के खराब दिन में गिरते हैं, चाहे जितनी अच्छी कंपनी होगी जिस दिन बाजार गिरेगी उसका भी दाम गिरेगा। और वो आपको अपॉर्चुनिटी स्पॉट करनी है कि जब बाजार गिर रही है और अच्छी कंपनी के शेयर आपको मिलने वाले हैं, आप ले लीजिए, 100% मत लीजिए, 25% लीजिए, एवरेज कर दीजिए उसको नीचे। बट जब मार्केट एकदम उछाल पे है, तब उसके लिए ट्रेडर को करने दीजिए प्रॉफिट, निवेशक को अपना साइड लाइन में रखिए, और फोमो वर्ड को भूल जाइए कि ये कभी मिलेगा नहीं मेरे को इस दाम में। हर चीज आती है, कम आएगी वापस, 10 रुपए में नहीं आएगी, लेकिन आएगी जरूर, आपको अच्छे दाम में मिलेगी। तो खरीदे अच्छे दाम में, बट प्रॉफिट जरूर बुक करें, बिकॉज उसके बिना फिर जब तक कैश बैंक में नहीं आएगा फायदा नहीं है। और तीसरा, सेक्टर रोटेशन, एक सेक्टर में बैठे रहेंगे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा पेपर इंडस्ट्री सेक्टर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है और चलता ही रहेगा, बट इन्वेस्टमेंट हार्डली किसी की होगी। अगर आप आज सीमेंट में बैठे हैं तो उसका क्या रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है आपकी? तो सेक्टर रोटेशन आपको करनी पड़ेगी, कि जो सेक्टर नहीं चलने वाले हैं उसको आप होप के अगेंस्ट मत चलाइए, बाजार के साथ रहिए। और यही मैं निवेशक सलाह को, दैट नोबडी इज स्मार्टर देन द मार्केट। अजय सर, निफ्टी को कहाँ देखते हैं आप 2023 में? देखिए, निफ्टी को 10-12% से ऊपर नहीं हम देखते हैं, मैक्सिमम अपसाइड 10-12% निफ्टी की है, उसके ऊपर नहीं देखते हम लोग। अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।